सनातन धर्म महावीर दल अस्पताल में श्रीमद् भगवद गीता संग्रहालय व महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बतानुकूलित सत्संग भवन का आज शुभारंभ किया गया। महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्य व पूर्व प्रधान सतीश कुमार गोयल ने कहा कि चूंकि गीता का जन्म भगवान श्री कृष्ण के मुखराबिंद से हरियाणा में हुआ है, मगर हरियाणा के लोग गीता ज्ञान से काफी वंचित हैं, इसलिए यह एक अनूठी पहल है जिससे लोग श्रीमद् भगवद गीता संग्रहालय में आकर गीता ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि 7-8 भाषाओं में अलग अलग लेखकों की गीता संग्रहालय में रखी गई है। यह सत्संग भवन व वाचनालय जिन्हें बतानुकूलित बनाया गया है तथा इसकी सेवाएं निःशुल्क रहेंगी। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता ज्ञान का संदेश देते हुए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। गीता के उपदेश पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्यों को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए, इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। इस मौके पर सतीश गोयल ने स्वामी ज्ञानानंद जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह 13 दिसंबर 1998 को जब स्वामी सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज संस्थापक श्री भारत माता मंदिर हरिद्वार के साथ संस्था में पधारे थे, प्रथम तल का शिलान्यास किया गया था। तत्पश्चात 25 दिसंबर 2003 को स्वामी जी के द्वारा ही भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा मंदिर प्रांगण में स्थापित की गई। उन्होंने बताया कि 1997 तथा 98 में शुरू किए गए सत्संग भवन, संत निवास व वचनालय को एक नया व आधुनिक रूप दिया गया है।